ऐसा राज्य है जो अपने पकवान और अपने मिठाई के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज हम ऐसी ही एक मिठाई की बात करने जा रहे हैं जिसे बिहार के अलावा पूरी दुनिया के लोग इसका स्वाद चखना चाहते हैं। इस मिठाई के कई बड़े नेताओं से लेकर फिल्मी सितारे तक दीवाने हैं। इतना ही नहीं, जब भी कोई लोग बिहार की राजधानी पटना आते हैं तो इसके स्वाद को चखे बिना नहीं रहते, चाहे वह भारत रत्न पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ही क्यों न रहे हो, या बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान। इस मिठाई की सुगंध नेताओं को खूब भाती है। बिहार आने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री, रविशंकर प्रसाद, प्रमोद महाजन, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, स्वर्गीय रामविलास पासवान, रामकृपाल यादव समेत अन्य कई नेताओं के पांव इस मिठाई के स्वाद को लेने के लिए खुद ब खुद दुकानों तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड सितारे जैसे जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, आमिर खान, रामायण तिवारी के साथ भोजपुरी फिल्म अभिनेता कुणाल मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव, निरहुआ अभिनेत्री कुमकुम पद्मा खन्ना, नीतू चंद्रा आदि ने भी इस मिठाई का स्वाद स्वयं यहाँ आकर लिया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मनेर के लड्डू की। आप सभी ने शादी के लड्डू तो बहुत खाए होंगे, लेकिन अगर आपने पटना जिला का मनेर का लड्डू का स्वाद नहीं लिया है तो आपके पास केवल पछताने का ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि पटना के पास लगभग 30 किलोमीटर स्थित मनेर के लड्डू काफी मशहूर ही नहीं विश्वविख्यात है। अपने मिठास और देसी घी की महक लिए मनेर के लड्डू की जायकों में अपनी खास पहचान है। लड्डू भारत की काफी प्रसिद्ध मिठाई है। लड्डू देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, पर लड्डू जब मनेर का हो तो फिर क्या कहना, इसके लिए हर एक शब्द कम है। आपको इसके लिए इसका स्वाद लेना होगा। अगर हम मनेर के लड्डू के इतिहास की बात करें तो दुनिया भर में इस लड्डू का इतिहास बेहद पुराना है। इतिहास के जानकारों का कहना है कि पहली बार मुगल बादशाह शाह आलम अपने साथ दिल्ली से नुक्ते के लड्डू लेकर मनेर शरीफ पहुंचे थे। उनके द्वारा लाया गया लड्डू यहां के लोगों को काफी पसंद आया था, जिसके बाद शाह आलम दिल्ली से कारीगर लेकर यहां पहुंचे। इन कारीगरों ने यहां के स्थानीय लोगों को लड्डू बनाना सिखाया। धीरे धीरे स्थानीय कारीगर लड्डू बनाने में निपुण हो गए और आगे चलकर इसी लड्डू को मनेर का लड्डू कहा जाने लगा। आज मनेर में लगभग ऐसे 100 दुकानें हैं जहां लड्डू मिलते हैं। मनेर के लड्डू को बनाने के लिए शुद्ध घी, बेसन, चीनी व अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि मनेर के लड्डू को अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई सहित कई अन्य देशों में यहां से सौगात के रूप में भेजा जाता है। वहीं अंग्रेजों ने मनेर के लड्डू का स्वाद चखकर इसे वर्ल्ड फेम लड्डू का करार देकर प्रमाण पत्र भी दिया था। यह लड्डू खुद में स्वाद के साथ सेहत से जुड़े कई फायदे को भी समेट कर रखा है। आइए हम आपको बेसन से बने मनेर के लड्डू से जुड़ी कुछ फायदे की बात बताते हैं। मनेर का लड्डू बेसन का बना होता है और बेसन में गेहूं की तुलना में अधिक वसा होता है और साथ ही प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। जटिल कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध और कम ग्लाइसेमिक सूचकांक के साथ बेसन मधुमेह रोगियों के लिए भी अच्छा है। बेसन हड्डी के लाल रक्त कोशिकाओं और सफेद रक्त कोशिकाओं और सफेद कोशिकाओं के गुणन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस लड्डू में बादाम का भी इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि बादाम में विटामिन B1, विटामिन B3 और फोलेट से भरपूर होते हैं, जो दिमाग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित करता है। बादाम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और यह मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। मनेर के लड्डू को शुद्ध घी में बनाया जाता है और घी में विटामिन पाया जाता है, जिनमें सभी वसा में घुलनशील होता है। इसमें उपस्थित सभी विटामिन शरीर से मुक्त कणों को हटाने और हमारी कोशिकाओं की रक्षा करने के साथ साथ त्वचा को स्वास्थ्य और चमक को बनाए रखने में मदद करता है। घी में माध्यम श्रृंखला फैटी एसिड होता है, जो वजन घटाने में सहायता करता है। लड्डू में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे हृदय रोग का जोखिम कम हो जाता है। आज के लिए बिहारी जायका में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।